गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड देन एक्सपेंशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट चेंज इन फिजिकल स्टेट, थर्ड इफेक्ट ऑफ हीट. क्लियर? चलिए तो अपन देखते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट क्या होता है. तो सबसे पहले समझते हैं इसको थोड़ा सा. चलिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम से अपने को क्या समझ में आ रहा है. मान लो कि आप 1 किलोग्राम का आइस स्लैब ले रहे हैं, ठीक है, यहां से 1 किलोग्राम का आइस स्लैब ले रहे हैं. अब उसको आप क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं किसी भी मेथड से, ठीक है. तो जब आप 1 किलोग्राम आइस को हीट दोगे तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा. मतलब जो भी हीट उसको मिल रहा है तो वो जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा. क्लियर? तो जो भी अपन हीट दे रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, उसके स्टेट को चेंज करने का काम कर रहा है. मतलब अभी जो आइस है वो सॉलिड स्टेट में है, तो जैसे अपन 1 किलोग्राम आइस को अपन हीट देना स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 ग्राम जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में. फिर 2 ग्राम जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट होगा, वाटर में. फिर 3 ग्राम, 4 ग्राम, ऐसे करते करते पूरे 1 किलोग्राम जो आइस है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो हमने जो हीट दिया वो क्या काम किया, स्टेट को चेंज करने का काम किया, ठीक है. अब जब आइस पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया है, अब इस वाटर को फिर से कंटिन्यू हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, जीरो. अभी भी देखो आइस जो था 0 डिग्री सेल्सियस में था मान लो इनिशियली, ठीक है. माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इनिशियली 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो फिर जो आइस है वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट होगा, वो भी कितना रहेगा, 0.1 ऐसा समथिंग रहेगा उसका टेम्परेचर, ठीक. अब पूरी तरह से जब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, अब जब इसको हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है. अब जब इसको हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा. तो इस टाइम पे जो वाटर का टेम्परेचर है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करते करते इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर. तो बताइए यहां पे जो हीट दे रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. अब देखिए यहां से जब पूरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, फिर जब हीट देंगे तो क्या होगा, जो वाटर है वो वेपराइज्ड होने लगेगा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा. ये देख सकते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो वाटर है वो बॉइल होने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा. तो बताइए इस टाइम पे जो अपन हीट दे रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, फिर से स्टेट को चेंज कर रहे हैं. कैसे स्टेट को चेंज कर रहे हैं, वाटर जो था लिक्विड फॉर्म में था और 100 के बाद जब उसको अपन हीट दे रहे हैं तो वो जो लिक्विड है किसमें कन्वर्ट होता है, गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में. तो क्या है, स्टेट का चेंज होना. आई बात समझ में? मतलब जब भी अपन वो किसी भी मटेरियल को हीट दे रहे हैं तो दो तरीके से यूज कर सकता है वो, पहला स्टेट को चेंज करना और दूसरा टेम्परेचर को राइज करना. तो यहां से मैं आपको फिर से बता दूं, जब 1 किलोग्राम आइस को अपन हीट देते हैं तो उस टाइम पे पूरा जो आइस है उसका टेम्परेचर जीरो रहता है और वो जो आइस है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है और वाटर में कन्वर्ट होता है. फिर भी उसका टेम्परेचर 0 पॉइंट समथिंग ही रहता है. मतलब इस टाइम पे जो हीट दिए हमने वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, स्टेट को चेंज कर रहे हैं. फिर यहां से 0 से 100 डिग्री तक जो हीट देंगे वो क्या करेगा, टेम्परेचर को चेंज करेगा. फिर यहां से 100 के बाद जो हीट देंगे वो क्या करेगा, हीट स्टेट को चेंज करेगा. तो यहां से जब आइस का वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे जो हीट यूज हो रहा है उस हीट को अपन क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट. क्या, लैटेंट हीट. और जिस टाइम पे 0 से 100 डिग्री हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ, उस टाइम पे जो हीट यूज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट. आपको डेफिनेशन में मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है. जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट. और जो स्टेट को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है उसको क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट. क्लियर? चलिए तो देखते हैं लैटेंट हीट क्या होता है. तो सबसे पहले नीचे का एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं. क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. ठीक है, अभी अपन स्टेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं. क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी का मटेरियल है तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट रहेगा. आई बात समझ में? अगर ज्यादा क्वांटिटी का
मटेरियल है तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा हीट का रिक्वायरमेंट होगा। इसीलिए क्या हुआ, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब एम का वैल्यू ज्यादा है, मास ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा लगेगा स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करके किसका मल्टीप्लाई किया, कॉन्स्टेंट का, हमेशा याद रखना ये रूल, क्यू इज इक्वल टू एल एम। ठीक है, और यही जो एल है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। एम मतलब क्या, मास, और क्यू मतलब रिक्वायर्ड हीट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अगर एम का वैल्यू क्या करें, वन ले ले, एम का वैल्यू अगर यहाँ पे क्या पुट कर दे, वन, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन किए, देखो लेटेंट हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड, ये भी एक तरह से हीट है जैसे स्पेसिफिक हीट होता था, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास बॉडी इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, यहां पे यूनिट मास सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक, तो जितना भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा क्या चेंज करने के लिए, फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए, कितने क्वांटिटी का, यूनिट मास का, याद रखना कितना भी मास नहीं लेंगे क्योंकि लेटेंट हीट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और यहां पे पहले ही बता दिया गया है यूनिट मास के लिए। तो ऐसा नहीं कि वाटर का जो लेटेंट हीट है वन किलोग्राम के लिए इतना होगा, दो किलोग्राम के लिए इतना होगा, तीन के लिए इतना होगा, ऐसा नहीं। वाटर का लेटेंट हीट 80 मतलब 80, ठीक है, वो फिक्स है। आई बात समझ में, तो ये हो गया लेटेंट हीट का डेफिनेशन, क्लियर। चलिए यहां पे एक ग्राफ दिया हुआ है, हीट वर्सेस टेम्परेचर, यहां से एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर। यहां से ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ देख सकते हैं आप। ठीक, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट को बताइएगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो कौन सा हीट बोल सकते हैं इसको, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। क्यों बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट, क्योंकि देखो अपन हीट को बढ़ा रहे हैं, ऐसा हीट बढ़ रही है यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, और हीट देने से क्या चीज राइज हो रहे हैं, टेम्परेचर। तो यहां से यहां तक जो अपन हीट दे रहे हैं वो कौन सा हीट है, स्पेसिफिक हीट। क्यों बोले स्पेसिफिक हीट, क्योंकि यहां पे क्या चीज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। अब यहां से यहां तक देखो फिर से हीट ज्यादा हो रहा है, पहले हीट इतना था अब यहां से इतना आ गया, ठीक, लेकिन यहां से यहां तक हीट बस बढ़ा, टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं। तो यहां पे जो हीट दे रहा हूं कौन सा हीट है, लेटेंट हीट। ठीक, फिर से यहां से यहां हीट इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर। तो ये कौन सा हीट है, स्पेसिफिक। फिर से ये वाला क्या है, लेटेंट। फिर से ये वाला क्या है, स्पेसिफिक। आई बात समझ में, ठीक। यहां से देख सकते हैं सॉलिड से अपन, सॉलिड था फॉर्म में और यहां से फिर से सॉलिड में, और कौन सा हीट है, स्पेसिफिक हीट। अब ये कैसे हुआ, देखो आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस बस में नहीं रहता, माइनस में भी रहते हैं। अब देखो मान लो कि -10 में था, हमने जो आइस लिया था स्लैब वो 1 किलोग्राम का, वो -10 डिग्री सेल्सियस रहा होगा इनिशियली मान लेते हैं। तो जब -10 से अपन जब उसको हीट देंगे तो क्या होगा, -10 से उसका टेम्परेचर क्या होगा, -8 -7 -6 -5, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, जीरो। मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में, मतलब -10 डिग्री का जो आइस है उसको अपन जब हीट देंगे तो डायरेक्टली वो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट होना कब स्टार्ट करेगा, जब उसका टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा, जीरो में पहुंच जाएगा। ठीक, तो -10 से जीरो होना मतलब क्या, टेम्परेचर का राइस करना। आई बात समझ में, अब उसके बाद जीरो में हो गया तो जीरो से जीरो ही रहेगा, और सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, तो कौन सा हीट, लेटेंट, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक, अब फिर से लिक्विड से लिक्विड, लेकिन टेम्परेचर राइस होगा, मैंने बताया था आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कहां तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। उस कंडीशन में वाटर का जो स्टेट है लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, राइस। तो कौन सा हीट, स्पेसिफिक। अब 100 के बाद जब अपन और उसको हीट देंगे क्या होगा, वेपराइज्ड होगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में, लेकिन उसका टेम्परेचर राइस नहीं। आई बात समझ में, तो ये होता है ग्राफ स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का। ठीक, होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर। अभी जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, अलग अलग। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट होना, लिक्विड में, और वेपराइजेशन मतलब लिक्विड टू गैस में, डेफिनेशन वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी स्टेट का चेंज होना है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी स्टेट का चेंज होना है। ठीक है, एक में सॉलिड टू लिक्विड और एक में लिक्विड टू गैस। ये जो है आप इसको याद रखना,
ये जो वैल्यू है आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ सॉरी आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना रहता है, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप सभी एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर जो भी है, न्यूमेरिकल जो भी आप सभी सॉल्व कर चुके हैं, इस सभी का आपको सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।